बैक टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इंट्री वंड एंड एग्जिट वंड के बारे में इससे पहले हमने वंड बैलिस्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था एंड वंड बैलिस्टिक्स में हमने देख लिया था वंड बैलिस्टिक्स क्या होता है किस किस टाइप्स की इंजरीज होती हैं फायर आम इन्जरीज़ में किस किस टाइप के वुंड आपको देखने को मिलते हैं और वहाँ पर जितने बेसिक्स थे वो सारे के सारे हमने क्लियर कर लिए थे एंड आज हम बात करने वाले हैं एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड को एंड यहाँ पर हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस वाले टॉपिक में क्या क्या बात करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंट्री वुंड क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं एंट्री वुंड जैसे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट शॉट क्लोज शॉट नियर शॉट एंड डिस्टेंस शॉट इसके अलावा एग्जिट वंड क्या होता है एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़िट वुल्ड एंड एंट्री वंड में क्या डिफरेंस होता है अगर आपको क्राइम सीन पर इस तरह का कोई भी आ, मिलता है एग्जिट पोन्ट एंड एंट्री वोट पर वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है तो वो पूरा टेबुलर फॉर्मेट में है वो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंट्री वन क्या होता है सो एंट्री वन इज़ ओपनिंग फ्रॉम व्योर द प्रोजेक्टाइल हैज़ इंटर्ड द बॉडी सो बेसिकली एंट्री क्या होता है जहाँ से भी जो प्रोजेक्टाइल होता है जिस पर्टिकुलर सर्फिस से जिस भी पर्टिकुलर जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से प्रोजेक्टाइल आपका एंटर करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में या कोई भी जो भी उसका टारगेट होता है वहाँ पर जहाँ से भी इंटर करता है जिस पॉइंट से उसको हम बोलते हैं एंट्री वंड एंट्री वंड जो रहता है जनरली स्मॉलर होता है एंड क्वाइट रेगुलर होता है इन कंट्रास्ट टू द एग्जिट वुलट जो एग्ज़िट वुल्ड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो आपका एंट्री वंड होता है वो स्मॉलर होता है एंड क्वाइट रेगुलर होता है ठीक है देन एंट्रेंस आर फ्रीक्वेंटली रिंगड विद द रेसिड्यूज ऑफ गन पाउडर सो जो आपका एंट्रेंस वंड होता है तो वहाँ पर आपको रिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं कई सारे गन पाउडर पैटर्न्स और उसके अलावा जो डर्ट रिंग होता है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो वो सारा का सारा हम थोड़ा कुछ हम थोड़ा सा बेसिक्स जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गन पाउडर पैटर्न एंड जी वाले वीडियो में एंड अभी भी हम इसके बाद में एक बहुत ही डिटेल में उसको देखें कैसे कैसे क्या क्या होता है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं सो so अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपके बेसिकली फोर टाइप्स के इंट्रीव होते हैं फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट शॉट क्लोज शॉट नियर शॉट एंड डिस्टेंट शॉट तो अलग अलग जिस जिस रेंज से आप फायर करेंगे तो वो अलग अलग टाइप के आपके वन्स होते हैं इंट्री वन्स होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट शॉट वन क्या होता है तो कॉन्टैक्ट शॉट की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट शॉट में क्या रहता है जो आपका मजल एंड रहता है आपके फायर आम का वो आपका स्किन से प्रॉपरली टच होता है या फिर जो भी आपका टारगेट है तो वहाँ से आपका प्रॉपरली टच होता है जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली जो भी आपका मजल uh, एंड होता है वो आपका प्रॉपर्ली टच होता है कॉन्टैक्ट में होता है स्किन के या फिर जो भी आपका टारगेट है उसके अगर हम साइज की बात करें तो ये क्या रहता है लार्जेस्ट होता है एमंग ऑल दी फोर रेंजेस अलग अलग रेंज के जो रहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट शॉट होता है उसमें क्या रहता है जो साइज़ सबसे ज़्यादा आपको लार्ज देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मतलब बिल्कुल आपका कॉन्टैक्ट शॉट होता है तो वो लार्ज साइज़ रहता है शेप की बात करें तो शेप में क्या रहता है इसमें ये क्रेटर शेप का होता है क्रेटर शेप क्रेटर फॉर्म करता है स्टिलेट फॉर्म करता है इसके जो सराउंडिंग्स रहती हैं उसमें आपको एक स्टार शेप का पैटर्न देखने को मिलता है स्टार शेप पैटर्न देखने को मिलता है क्योंकि जब भी आप कॉन्टैक्ट शॉट करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी आपके फायर आर्म से गैसेस रिलीज़ होती हैं उनको भी तो बाहर निकलने का कुछ स्पेस चाहिए तो वो जब बाहर निकलती हैं तो उस वजह से क्या रहता है वो बाहर के साइड में प्रेशर लगाती हैं तो उनको स्पेस मिल नहीं पाता है एंड वो आपकी जो आपकी स्किन रहती है बाहर साइड की तो उसी में वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं उसी में वो एंटर कर जाती हैं जिसकी वजह से आपको ब्लैक कलर का काफ़ी डार्क कलर में आपको स्टार शेप पैटर्न देखने को मिलता है एंड स्टार शेप पैटर्न बेसिकली आपको ये कॉन्टैक्ट शॉट में ही देखने को मिलता है ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है जिसके हेल्प से आप इसको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट शॉट होता है वहाँ पर आपको मजल एंड का इम्प्रिंट देखने को मिलता है जो आप कॉन्टैक्ट शॉट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी टारगेट है जो भी आपका स्किन है जो भी ह्यूमन बॉडी है या जो भी टारगेट है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट शॉट कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर आपने लगाया ही होगा नहीं भी लगाया है फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर इंप्रेशन आपकी मज़ल इनका रह जाता है जिसमें कि आपकी अगर वो आपकी राइफल्स फायर आम है तो वहाँ पर आपको लैंडस एंड ग्रूव्स देखने को मिलते हैं तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर कर सकते हैं जो आपका वेपन रहता है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं काफ़ी हद तक ठीक है तो वहाँ पर जो कांटेक्ट शॉट होता है तो वहाँ पर आपको मज़ल इंड का इम्प्रिंट देखने को मिलता है एवरेजन देखने को मिलता है एंड जो वुंड रहता है उसके जो एजेस होते हैं उनका इन्वर्जन देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ वुंड एजेस ठीक है फिर अगर हम बात करें ब्लैकनिंग एंड टैटोइंग की तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट शॉट रहता है इसमें आपका ब्लैकनिंग एंड बर्निंग आपके जो इंटरी वुंड रहता है मान लीजिए ये इंटरी वुंड है तो इसके सराउंडिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ब्लैकनिंग या टैटोइंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट शॉट किया है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं बर्न सेमी सेमीबर्न जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आपके वुंड के अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ से आपने ये बुलेट ने इंटर किया है सेम आपकी उसी टारगेट uh, का उसी वंड के अंदर आपके एंटर कर जाते हैं तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपको वंड के अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है तो ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग आपको सरफेस पर देखने को नहीं मिलेगी आपकी जो इंट्री वंड है उसकी सराउंडिंग्स में देखने को नहीं मिलेगी ठीक है फिर अगर हम बात करें कॉकिंग की तो यहाँ पर क्या रहता है आपका कॉकिंग या फिर चेरी रेड का डिसकलरेशन आपको देखने को मिलता है टिश्यूज़ में टिश्यूज़ में, में चेरी रेड का चेरी रेड कलर्ड या फिर पिंक कलर का आपको टिश्यू में देखने को मिलता है इस कलर का डिसकलरेशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि जो गैसेस रहती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो जब रिलीज़ होती है तो वो आपके टिश्यूज में स्प्रेड कर जाती है क्योंकि आपको उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलती जिसकी वजह से वो आपके टिश्यूज में स्प्रेड होती है एंड टिश्यूज़ में स्प्रेड होती है तो उसकी वजह तो से आपका पिंक कलर आपके टिश्यूज हो जाते हैं चेरी रेड कलर के हो जाते हैं ये जो पॉइंट है आपके नेट के आस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्ट आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो आपके एंट्री वंड होते हैं तो वहाँ पर आपको पिंक कलर का डिसकलरेशन क्यों देखने को मिलता है तो वहाँ पर डायरेक्टली सीधा आंसर हो जाएगा वहाँ पर कार्बन uh, मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आप अगर डिस्टेंस आपका आप अगर क्लोज शॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पिंक कलर, कलर का कलरेशन देखने को मिलता है डिसकलरेशन ठीक है तो ये होता है आपका चेरी रेड डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है पिंक कलर का डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है फिर अगर हम बात करें सिंजिंग एंड स्कॉचिंग एब्रेजन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर तो ये सारा का सारा आपका एबसेंट होता है कॉन्टैक्ट शॉट में जितना भी आपके बर्निंग के रहता है जितना ग्रीस कॉलर रहता है वो सारा का सारा आपका सराउंडिंग्स में देखने को नहीं मिलता है वो भी आपको पूरा तरह से वंड के अंदर ही देखने को मिलेगा ग्रीस कॉलर भी आपको अंदर ही देखने को मिलेगा जब भी आपकी बुलेट ने एंटर किया है तो सराउंडिंग्स में मतलब जो सराउंडिंग रहती है एज पे आपको प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा आपको अंदर मिलता है ठीक है तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी कॉन्टैक्ट शॉर्ट रेंज की अभी हम इसको एक डायग्राम से भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें क्या है ये आपका जो आपकी रिवॉल्वर है रिवॉल्वर बिल्कुल कांटेक्ट में है आपके स्किन के ये आपका कोई भी विक्टिम है या जो भी है तो उसके बिल्कुल टारगेट के बिल्कुल कांटेक्ट में है एंड यहाँ पर कुछ प्रेशर भी होगा इस वजह से इसकी सराउंडिंग्स जो होंगी वहाँ पर आपको एक मज़ल इम्प्रेशन देखने को मिलता है मज़ल एंड इम्प्रेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको लैंड्स एंड ग्रूव्स भी बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे अभी अगर इससे वंड जो कॉज हुआ अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टार शेप्ड पैटर्न देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा टियर होता है जो भी आपकी स्किन रहती है वहाँ पर एवरेजन वंडस आपको देखने को मिलती है जो तो स्किन रहती है वो कुछ आपकी जो गैसेस जब रिलीज़ करती तो आपकी जो स्किन रहती है वो भी थोड़ा बहुत आपकी बाहर की तरफ इवर्ट हो जाती है वैसे तो आपका इन्वर्जन ही होता है जो एजेस रहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ गैसेस जो रहती हैं वो जब बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है उनको बाहर की तरफ आना होता है तो उसकी वजह से कुछ जो एब्रेजन कॉलर्स होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े बहुत आपके बाहर साइड में भी इवर्ट हो जाते हैं ठीक है तो ये रहता है आपका कॉन्टैक्ट शॉट इस डायग्राम से आप इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी ब्लैकनिंग बर्निंग कैटरिंग सराउंडिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा वो सारा का सारा आपको वुंड के अंदर ही देखने को मिलेगा ठीक है बस आपको बाहर साइड में क्या देखने को मिल सक मिलेगा आपको स्टार शेप पैटर्न देखने को मिलेगा एंड उसमें जो पिंक डिस्कलरेशन होता है चेरी रेड डिस्कलरेशन होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लोज शॉर्ट रेंज की अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो मजल एंड में मजल एंड ऑफ द गन इज़ हेल्ड एट वन इंच टू थ्री इंच दैट मीन्स 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अगर फायरिंग करी जा रही है उतनी डिस्टेंस से आपका टारगेट से दूर है आपका जो मजल एंड है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज शॉर्ट रेंज इसका जो साइज रहता है स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्टैक्ट शॉट अगर इसके हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप रहता है वो सर्कुलर और ओवल होता है अगर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से फायर करी जा रही है अगर कुछ एंगल से आपका बनेगा 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा तो वहाँ पर आपको सर्कुलर नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको ओवल देखने को मिलेगा नाइन्टी डिग्री पे तो वहाँ पर आपको सर्कुलर आ, सर्कुलर एंट्री वो देखने को मिलता है ठीक है फिर अगर हम बात करें ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग की तो यहाँ पर आपको ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग बहुत ही क्लियरली विजिबल होगी वो जो ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग होगी वो एक लार्ज आपका जो एरिया कवर करेगी वो स्मॉल स्प्रेड एरिया मतलब ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं होगी सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ही पास में होंगे क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाया स्प्रेड होने का क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी सिर्फ 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस थी तो उस वजह से जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाते हैं बहुत ज़्यादा आपको पास पास सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैकनिंग एंड टिंग बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे पार्टिकल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है फिर अगर हम बात करें सिंजिंग एंड स्कॉचिंग एब्रेशन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर का तो ये सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है यहाँ पर आपको ग्रीस कॉलर भी देखने को मिलेगा एब्रेजन कॉलर भी देखने को मिलेगा स्कॉचिंग एंड सेंसिंग भी देखने को मिलेगा जो आपका स्किन रहती है वहाँ पर आपको बर्निंग भी बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी जितनी भी हॉट गैसेस होती हैं फ्लेम निकलती है तो उसकी वजह से जो आपकी स्किन रहती है वो भी बर्न हो जाती है थोड़ी बहुत तो वो आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगा वहाँ पर क्लोज शॉट में ठीक है तो अभी हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आपकी फायरिंग जो है 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर दैट मीन्स इतनी डिस्टेंस से फायरिंग करी जा रही है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज शॉट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो एंट्री वुंड बना है तो वहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में है आपको यहाँ पर बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा और जो आपका यहाँ पर एब्रेजन रिंग और ग्रीस कॉलर होता है जिसको कि हम डर्ट रिंग भी कहते हैं वो भी आपको क्लियरली विजिबल होगा इस तरह के वुंड में इस तरह के शॉट में ठीक है तो ये होता है आपका क्लोज शॉट एंड अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके नियर शॉट रेंज की तो नियर शॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है जो मजल एंड होता है गन का उसकी जो डिस्टेंस रहती है वो 12 इंच से 24 इंचेस जिसको कि हम 30 टू 60 सेंटीमीटर्स भी कह सकते हैं इतने डिस्टेंस से फायरिंग करी जा रही है तो उसको हम बोलते हैं नियर शॉर्ट रेंज इसका जो साइज रहता है एंट्री का, वो स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू कॉन्टैक्ट शॉट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट अगर बुलेट से रह रही है तो वो आपका साइज़ और भी ज़्यादा स्मॉलर हो जाता है जो आपका बुलेट होता है ठीक है जो आपका बुलेट साइज़ होता है उससे स्मॉलर रहता है यहाँ पर ठीक है एंड अगर इसके शेप की बात करें तो सेम सर्कुलर या फिर ओवल वो डिपेंड करेगा किस एंगल से फायरिंग करी गई है ब्लैकनिंग की बात करें तो यूजुअली इसमें क्या रहता है जो ब्लैकनिंग आपको दिखने को मिलती है वो लार्ज स्प्रेड एरिया कवर करती है एंड मैक्सिमम थर्टी सेंटीमीटर तक का एरिया ये कवर करती है ब्लैकनिंग ने या शॉर्ट रेंज में एंड अगर हम टैटोइंग की बात करें तो टैटूइंग आपको लार्ज स्प्रेड एरिया यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम सिक्सटी सेंटीमीटर तक का एरिया नियर शॉर्ट में टैटूइंग में देखने को मिलेगा ब्लैकनिंग में थर्टी सेंटीमीटर तक का ठीक है तो ये होता है आपका ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग कितना एरिया कवर करती है ये भी आपका जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस किस में फायरिंग करते हैं ब्लैकनिंग कितने एरिया तक में आपको देखने को मिलेगी टैटूइंग कितने एरिया तक में आपको देखने को मिलेगी तो ये आपके नेट के आस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपके आपको पता होना चाहिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ से जो आपका वंड बैलिस्टिक्स वाला पार्ट होता है ना तो वहाँ से आपके जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक आते हैं ज़्यादा कुछ डीप नहीं आता है लेकिन कन्फ्यूज़न इतना होता है जिस वजह जिस वजह से वहाँ पर गलत हो जाता है एंड जो ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते उस वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसी वजह से आपका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है लेकिन आपको सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने चाहिए आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ठीक है इसके बाद में अगर हम सेंसिंग की बात करें तो सेंसिंग यहाँ पर एबसेंट तो सेंसिंग होता क्या है पहली बात तो जो बर्निंग होती है ना जो आपकी स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जो आपको बर्निंग देखने को मिलती है जो आपके मोल्टन इंट देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेंजिंग ठीक है तो वो आपका एबसेंट होता है सेंजिंग एक तरह से बर्निंग का ही पार्ट कह सकते हैं तो वो यहाँ पर एबसेंट होता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो फ्लेम्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं आपकी स्किन तक ठीक है फिर अगर हम बात करें एब्रेजन एंड ग्रीस कॉलर की तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा क्योंकि आपका बुलेट तो एंटर ही कर रही है तो वो सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा इसके बाद में हम बात करें एजस की तो एजस क्या रहते हैं इसमें यूजुअली इन्वर्टेड होते हैं बट कुड भी इवर्टेड ऑल्सो जनरली इसमें जो एंट्री मोड रहता है उसमें आपको जो एजस देखने को मिलते हैं वो इन्वर्टेड ही मिलते हैं लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जिसकी वजह से कई बार आपको थोड़े बहुत एजेस आपको इवर्टेड इवर्टेड मतलब कि बाहर की साइड में इन्वर्टेड मतलब कि अंदर की साइड में तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो आपको कुछ केसेस में ये आपको इवर्टेड यानी कि बाहर के साइड में भी देखने को मिल सकते हैं वेन एवर द साइट ऑफ इंजरी हैज़ एबंडेंट एडिपोज टिश्यू इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू फ्लो आउट ऑफ द वन एंड दिस कैन टर्न द एजेस इवर्टेड सो ये आपका पॉसिबिलिटी रहती है जो एबंडेंट एडिपोज टिश्यू होते हैं तो उनकी वजह से कई बार आपके जो इंट्री वुंड होते हैं उसमें आपको एडजस्ट जो रहते हैं वो आपको इवर्टेड देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो ये आपके कुछ बेसिक्स से नियर शॉर्ट वंड के जितने आपको पता होना चाहिए एंड बेसिकली इसमें इतना ही तरह का रहता है तो अगर हम इसको यहाँ पर एक डायग्राम से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर तक की रेंज रहती है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया इंट्री वुंड में जो ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग था उसने ज़्यादा कवर किया टैटूइंग ने थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हैं टैटूइंग थोड़ा दूर तक का एरिया कवर करती है एंड जो ब्लैकनिंग है वो थोड़ा सा कम इन कंपैरिजन टू टैटूइंग लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है एंड इसका जो स्प्रेडिंग होती है वो दोनों की ही लार्ज रहती है ब्लैकनिंग की थर्टी सेंटीमीटर्स एंड टैटूइंग की सिक्सटी सेंटीमीटर्स ठीक है तो ये रहता है आपका नियर शॉर्ट वोड में एंड अभी हम थोड़ा सा आगे चलें एंड यहाँ पर है आपका डिस्टेंट शॉट रेंज तो डिस्टेंट शॉर्ट की बात करें डिस्टेंट शॉर्ट अगर आप करें डिस्टेंट रेंज से आप करें तो वो कितनी डिस्टेंस रहती है बेसिकली तो इसमें जो डिस्टेंस रहती है आपकी 60 सेंटीमीटर्स रहती है मजल एंड ऑफ द गन इज़ हेल्ड बियॉन्ड ट्वेंटी फोर और सिक्सटी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द टारगेट वंड अपियर रिजेंबल अ नियर शॉर्ट वंड ठीक है तो अगर आपकी जो फायरिंग करी जा रही है सिक्सटी सेंटीमीटर या मोर दैन सिक्सटी सेंटीमीटर्स एंड इंचज़ेस की बात करें तो ट्वेंटी फोर इंचज़ या फिर मोर दैन ट्वेंटी फोर इंचज़ से फायरिंग करी जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट शॉर्ट रेंज एंड इसमें जो साइज रहता है आपकी इंट्री वंड का वो इन कंपेरिजन टू कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज शॉट या फिर नियर कॉन्टैक्ट की बात करें नियर शॉर्ट रेंज की बात करें तो वो आपका सबसे ज़्यादा स्मॉलर रहता है डिस्टेंस में क्योंकि वहाँ पर आपका जो बुलेट रहती है वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होने लगती है एंड वो उतना ज़्यादा मतलब डिस्टेंस रहेगी तो उस वजह से जो आपका साइज रहता है आपके वंड का वो स्मॉलर हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ इंट्री वंड ठीक है इसके अगर हम शेप की बात करें तो शेप जनरली आपको सर्कुलर देखने को मिलता है ओवल भी मिल सकता है वो डिपेंड करेगा आपको किस एंगल से फायरिंग करी गई है लेकिन जनरली इसमें सर्कुलर ही आपको देखने को मिलता है ठीक है फिर अगर ब्लैकनिंग की बात करें तो ब्लैकनिंग इस केस में एबसेंट होती है और इसमें ना तो आपको वंड के अंदर देखने को मिलेगा ना ही आपके सरफेस पर सराउंडिंग्स में क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से जो ब्लैकनिंग के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके स्किन तक आपके टारगेट तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं जिस वजह से ये एब्सेंट रहता है डिस्टेंट शॉट में अगर टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग भी इसमें एब्सेंट होती है ये भी आपका वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाती है बट इट मे बी सीन अराउंड द वंड ऑफ एंट्री टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 90 सेंटीमीटर्स 90 सेंटीमीटर्स तक की रेंज तक अगर फायरिंग करी जा रही है या फिर 36 सिक्स कहें तो उस केस में पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि टैटूइंग आपके टारगेट पर आपके जो एंट्री बोन्ट है उसके सराउंडिंग्स में के आसपास दिखे वो उस भी सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है कि डिस्टेंट में आपको टैटूइंग देखने को मिलता ही मिलता है फिर भी 90 सेंटीमीटर या 36 सिक्स इंचज़ तक की डिस्टेंस है तो वहाँ पर बहुत थोड़े से पार्टिकल्स आपको टैटोइंग के देखने को मिल सकते हैं ठीक है फिर अगर हम सेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एबसेंट होगा वो क्योंकि आ, उसमें आपकी किसी भी तरह की जब आपका ब्लैकनिंग के पार्टिकल्स टैटोइंग के पार्टिकल्स जितने जी एस आर पार्टिकल्स है वो सारे के सारे जब ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे तो फ्लेम्स कैसे जाएंगी वहाँ तक तो ऑब्वियसली ये भी आपका एबसेंट होगा लेकिन जो ग्रीस कॉलर एंड एब्रेजन कॉलर होगा वो बिल्कुल भी प्रेजेंट होगा उसमें एब्रेजन कॉलर ग्रीस कॉलर दोनों ही इस केस में प्रेजेंट होंगे इसमें जो एजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं एजेस आपके डिस्टेंट uh, शॉर्ट में इन्वर्टेड होते हैं दैट मीन्स अंदर के साइड में इन्वर्जन uh, उसका होता है ठीक है फिर अगर इसको हम डायग्राम से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डिस्टेंट uh, शॉट की डिस्टेंट शॉट वनडे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फायरिंग करी हुई है ये जो आपका वंड है काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है बाकियों के कंपैरिजन में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह की आपको ब्लैकनिंग बर्निंग टैटुइंग कुछ भी देखने को नहीं मिलता है टैटोइंग की पॉसिबिलिटी रहती है वो भी कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है ठीक है तो ये रहता है आपका डिस्टेंट शॉट अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जिट वोट की एंट्री वुल्ड हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है अब हम बात करेंगे एग्जिट वंड की सो एग्ज़िट वुल्ड इज़ द वड थ्रू विच द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द बॉडी तो बेसिकली एग्जिट वुल्ड वो वंड होता है जिसकी हेल्प से जिस जिस सर्फेस से आपकी जो बुलेट रहती है वो बाहर साइड में निकलती है आपकी बॉडी से आपके टारगेट से बाहर निकलती है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं एग्जिट वंड मान लीजिए ये आपका कोई भी टारगेट है तो यहाँ से आपकी बुलेट ने एंटर किया तो यहाँ पर जो वंड कॉज होगा उसको बोलेंगे एंट्री वंड एंड आपके बैक साइड से ही आपका बाहर निकल रही है तो बैक साइड में जो आपका वंड कॉज होगा उसको हम बोलेंगे एग्जिट वंड ठीक है तो ये रहता है आपका एंट्री एंड एग्जिट वंड एग्जिट वंड क्या रहता है जनरली लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू एंट्रेंस वंड इन कंपेरिजन टू एंट्री वंड एंड ये सिग्निफिकेंटली मोर डिस्ट्रक्टिव होता है दैन इंट्रेंस वंड ठीक है तो बेसिकली एग्जिट वोट क्या रहता है लार्जर रहता है एंड मोर डिस्ट्रक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू एंट्री ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं जो आपका एग्जिट पुलट होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं उनकी सो वुंड ऑफ एग्जिट इज डिस्क्राइब्ड अंडर फोर हेड्स इन विच साइट साइज एंड शेप सो जो आपका वुंड ऑफ एग्जिट होता है उसको आप तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं मतलब उसको आप तीन चीज़ों से बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं साइट साइज एंड शेप अगर हम साइट की बात करें जो वुंड ऑफ एंट्री रहता है उस उसकी जो साइट रहती है वो जस्ट अपोजिट रहती है एंट्री वुंड के जो आपका एग्जिट वुंड रहता है वो बेसिकली आपका एंट्री वुंड के जस्ट अपोजिट साइड में ही आपको अपोजिट सर्फिस पर ही आपको देखने को मिलता है बिकॉज जब भी आप फायरिंग करते हैं तो जब बुलेट रहती है वो एक एक टारगेट को फॉलो करती है लेकिन कई बार क्या रहता है जो आपका वंड ऑफ एंट्री एंड वंड ऑफ एग्जिट जरूरी नहीं है कि अपोजिट डिरेक्शन में ही हो क्योंकि हो सकता है आपकी जो बुलेट आपकी जब बॉडी के अंदर एंटर करी तो आपकी बोन से टकराने की वजह से उसका जो पाथ था वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गया तो इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज केस पॉसिबिलिटी केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपका ज़रूरी नहीं है जो वंड ऑफ एंट्री हो वो उसके जस्ट अपोजिट सरफेस पर ही आपको वंड ऑफ एग्जिट देखने को मिले लेकिन जनरल केसेस में आपका वंड ऑफ एंट्री के जस्ट अपोजिट सरफेस पर ही आपको वंड ऑफ एग्ज़िट देखने को मिलता है फिर अगर हम बात करें साइज़ की तो बेसिकली फोर पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्व करी जाती हैं इस केस में इसमें अगर फर्स्ट वन की बात करें तो एट अ क्लोज़र रेंज अगर आप क्लोज़र रेंज से फायरिंग कर रहे हैं तो जो आपका वंड ऑफ एंट्री रहता है उससे स्मॉलर होता है जो आपका वंड ऑफ एग्ज़िट होगा इन कंपैरिजन टू वंड ऑफ एंट्री स्मॉलर होगा एंड अगर हम रेंज की बात करें एज रेंज इंक्रीजेज़ एग्जिट वंड साइज़ इंक्रीजेज जैसे जैसे कि आपकी रेंज इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे आपका एग्जिट वुल्ड बड़ा होता जाता है एंड जो आपका एंट्री वुल्ड होता है वो वैसे वैसे छोटा होता जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस शॉट में जो एंट्री वंड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है लेकिन जो एग्ज़िट वंड रहता है वो बड़ा होता है ठीक है तो सिंपल सी चीज़ है अगर जैसे जैसे आप रेंज को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे आप देखेंगे इंट्री वोट छोटा होता जा रहा है एग्जिट वोट बड़ा होता जा रहा है साइज़ में ठीक है तो ये रहता है रेंज से डिपेंडेंसी रहती है इससे आप रेंज को बहुत ही क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर इसके बाद में सेकेंड थर्ड बात करें जो आपकी आ, हाई वेलोसिटी बुलेट रहती है आपकी जो बुलेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी से फायर कर गई है काफ़ी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है तो उस केस में क्या रहेगा जो आपका एंट्री वंड होगा जो आपका एग्जिट वंड होगा दोनों ही आपके इक्वल साइज़ के होंगे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा एंट्री वंड एग्जिट पोड दोनों ही इक्वल साइज़ के होंगे ठीक है फिर अगर हम बात करें अगर आपकी जो बुलेट है वो डिफॉर्म्ड बुलेट है डिफोर्म बुलेट से अगर कोई भी इंजरी कॉज हो रही है कोई भी वुंड कॉज हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपका एग्जिट वुंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा अब बिग एग्जिट पोल्ट इस प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा डिफॉर्म्ड बुलेट के केस में एग्जिट पोल्ट ठीक है तो ये सारी कुछ साइज से रिलेटेड आपके पॉइंट्स थे एंड अगर शेप की बात करें तो शेप यहाँ पर क्या रहता है इरेगुलरली सर्कुलर सर्कुलर होगा लेकिन इरेगुलर फॉर्म में होगा इरेगुलर पैटर्न में होगा तो वो आपका एग्जिट पोल्ट में आपका बेसिकली इरेगुलरली सर्कुलर और जो आपका शेप रहता है वो रहता है एजेस की बात करें तो एजेस यहाँ पर पकड़ होते हैं टॉर्न होते हैं इवर्टेड होते हैं इवर्टेड पकर्ड एंड टॉर्न एजेस होते हैं एग्जिट वुंड में इसके बाद में जो आपका ब्लैकनिंग टैटोइंग सिंजिंग एबरेजन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर होता है ये एबसेंट होता है इस केस में एग्जिट वुंड में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं ब्लैकनिंग टैटोइंग बर्निंग सेंजिंग एबरेजन कॉलर ग्रीस कॉलर ये सारा का सारा आपका वंड ऑफ एग्जिट में एबसेंट होता है ठीक है तो ये सारे यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जिट वंड से रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे कवर करवा दिए हैं ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंट्री वंड एंड एग्जिट वंड में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए आप दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है जो एंट्री वंड होता है वो अगर नियर रेंज से शॉट किया जा रहा है तो वो स्मॉलर होगा लार्ज से है लार्ज डिस्टेंस से है तो वो आपका लार्ज uh, रहता है काफ़ी अगर डिस्टेंस शॉट है तो वहाँ पर आपको एंट्री वंड लार्ज देखने को मिलेगा एग्जिट वंड लार्जर होगा नियर शॉट में एंड स्मॉलर होगा डिस्टेंस शॉट में ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एंट्री वुल्ड साइज छोटा होता जाएगा एंड एग्जिट पोड का साइज बड़ा होता जाएगा फिर जो आपका एंट्री रहता है उसके मार्जिन इन्वर्टेड होते हैं एग्जिट एक्जिट के इवर्टेड होते हैं देन जो एवरेजन कॉलर कॉन्ट्यूजन ग्रीस कॉलर प्रेजेंट होता है आपके एंट्री वंड में लेकिन एग्जिट पोल्ड में ये सारा का सारा एबसेंट होता है ठीक है फिर अगर हम ब्लीडिंग की बात करें तो जो एंट्री है तो उस साइड में आपको ब्लीडिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको बहुत ही कम आ, देखने को मिलेगा कि ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन जो एग्जिट वुल्ड रहता है वहाँ पर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी उस साइड में एग्जिट वुल्ड साइड में जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ठीक है इन कम्पेरिजन टू इंट्री वंड तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहता है जहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं देन फॉरिन बॉडीज़ डिस्पर्जन ऑफ पैलेट्स ये सारा का सारा आपको इंट्री वंड के साइड में देखने को मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ पैलेट्स शॉर्ट गन के केस में रहता है एंड जो एग्जिट वुंड होता है तो उस साइड में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं प्रोट्रूजन ऑफ फैट जो रहता है वो आपका एंट्री वुंड पे एबसेंट होता है लेकिन जो आपका एग्जिट वुंड रहता है उस साइड में जो आपका फैट रहता है वो सारा का सारा प्रोट्रूड हो जाता है वो सारा का सारा आपका बाहर निकल आता है तो वो आपका एग्जिट वुंड पे देखने को मिलेगा एंट्री वुंड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा फिर अगर हम बात करें ब्राइट रेड कलर्ड वुंड जो कि आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है सी ओ जो रहता है वो आपका डिफ्यूज़ हो जाता है आपके टिश्यूज़ में आपके ब्लड में जिसकी वजह से कार्बॉक्सीमोग्लोबिन बनता है जो कि ब्राइट रेड कलर का वंड फॉर्म करता है एंड ये बेसिकली आपको नियर शॉर्ट रेंज में देखने को मिलता है लेकिन एग्जिट वंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता ये सब कुछ एबसेंट होता है एंट्री वंड में आपको मेटेलिक रिंग देखने को मिलेगा जो आप एक्सरे से आप उसको प्रॉपर्ली देखेंगे तो वहाँ पर आपको मेटेलिक रिंग देखने को मिलता है लेकिन जो एग्जिट वुल्ड होगा वो एबसेंट होगा मेटेलिक रिंग किस चीज़ के होंगे जब आपकी बुलेट ने एंटर किया तो बुलेट ने काफ़ी सारे पार्टिकल्स जैसे कि उसका लेड था लेड जो थी वो मेल्ट थोड़ी सी होती तो जब एंटर करेगी तो लेड आपके वहाँ पर देखने को मिलेगी उसके अलावा जब वो आपकी बैरल से ट्रैवल करे थी तो बैरल के जो कुछ आपके आयरन पार्टिकल्स है वो भी उसके साथ में जाएंगे तो ये सारे आपके एंट्री वंड के आपके जो इंट्रेंस सराउंडिंग्स में आपको ये रिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक रिंग ठीक है फिर जो मजल इम्प्रेशन है वो भी आपको सिर्फ इंट्री वंड के साइड पर देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट शॉट के केस में वो आपका एग्जिट वंड में एबसेंट होगा स्टार शेप पैटर्न जो रहता है स्टार शेप वंड जो रहता है वो भी आपका कॉन्टैक्ट शॉट में ही इंट्री वंड के केस में देखने को मिलता है एग्जिट वुंड में वो भी आपका एबसेंट होता है ठीक है सो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे एंट्री एंड एग्जिट वंड के ये पूरा का पूरा समरी है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट होती हुई नजर आ रही होंगी इसमें तो ये वाला यहाँ पर पूरा बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट मैंने किया हुआ है एंट्री एंड एग्जिट वो को आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारे के सारे जो टाइप्स रहते हैं एंट्री पोन्ड के कॉन्टैक्ट क्लोज़ नियर डिस्टेंट वो सारे के सारे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँ एंड आई होप आपको ये सारा का सारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके बाद में हम जो राइफल फायराम इंजरीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम ब्लैकनिंग बर्निंग टैटविंग सेंसिंग एंड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो उनका सबका वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पर फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पी मिलती, मिलती रहती है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जॉब से रिलेटेड और बहुत कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहता है ठीक है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर